आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की रिपोर्टिंग किस प्रकार होगी और आपको कब कब करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखें, इससे आप अपनी रिपोर्ट को सही प्रकार से कैसे भर सकते हैं उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। जो टीबी मुक्त भारत अभियान की रिपोर्टिंग है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से भरी जाएगी। ये अभियान 2 माह तक चलेगा, 1 मई से लेके 1 जुलाई 2022 तक। तो इसमें जो गूगल फॉर्म के माध्यम से रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग होगी 16 मई 1 जून 16 जून और 1 जुलाई 2022। तो जो गूगल फॉर्म है उसका मुख्य उद्देश्य है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ABHWC में टीबी सेवाओं को समन्वित करने के लिए 1 मई 2022 यानी कि मजदूर दिवस से 1 जुलाई 2022 राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस तक चलाए जा रहे द्विमासिक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की प्रगति का पता लगाना, उसकी रिपोर्ट करना। इसमें जो प्रत्येक ABHWC के लिए क्यूमुलेटिव प्रगति को 16 मई 1 जून 16 जून और 1 जुलाई 2022 को रिपोर्ट किया जाना है। यानी कि आप जब भी रिपोर्टिंग करोगे तो आपको क्यूमुलेटिव रिपोर्टिंग करनी है, पिछली रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के साथ जोड़ के फिर आपको उसको अपडेट करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। आप जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका अपना ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। जिस ईमेल आईडी से आपने पहली बार रिपोर्टिंग करी है उसी से आपको हर बार रिपोर्टिंग करनी है। नहीं तो आपकी रिपोर्ट अगर नए ईमेल आईडी से भेजोगे तो आपका HWC नया शो होगा। इसमें जो रिपोर्टिंग की अवधि रहेगी वो सबसे पहले है 1 मई से लेकर 16 मई 2022 तक, उसकी आपको रिपोर्टिंग 16 मई को करनी थी। उसके बाद में जो सेकंड बार रिपोर्टिंग होगी वो होगी 1 मई से 1 जून 2022 तक। यानी कि जो आपने पहली रिपोर्टिंग करी है वो भी रिपोर्टिंग इसमें जुड़ जाएगी। फिर तीसरी रिपोर्टिंग होगी आपकी 16 जून को, उसमें जो रिपोर्टिंग पीरियड होगा वो होगा 1 मई से लेकर 16 जून तक की आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का चौथा चरण 1 जुलाई को है, उसमें आपको 1 मई से लेकर 1 जुलाई तक की रिपोर्टिंग करनी है। तो हम बात करेंगे 1 मई से लेकर 1 जून 2022 तक की रिपोर्टिंग के बारे में। इसमें आपको जो फॉर्म है गूगल फॉर्म उसमें अपने ज़िले का नाम डालना होगा। उसके बाद में आपको अपना ब्लॉग लिखना होगा। आपको अपने ब्लॉग का नाम अपने रिकॉर्ड में देख के सही लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ कर रहे हैं कि एक ही ब्लॉग के नाम को अलग अलग स्पेलिंग से गलत स्पेलिंग डाल के नया नया ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपकी ब्लॉग की रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। इसलिए आप जो भी सिलेक्ट करें अपने ब्लॉग का नाम अपने रिकॉर्ड में देखकर सही लिखें। उसके बाद में टीबी यूनिट का नाम, ज़्यादातर ब्लॉक ही टीबी यूनिट है। यदि आपका टीबी यूनिट सेम ब्लॉक है तो उसी ब्लॉक का नाम आपको यहाँ नीचे लिखना है। अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी है तो उसको आप करेक्ट कर लेवें। उसके बाद में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम, नेम ऑफ आयुष्मान भारत HWC, यानी जो आपका सब सेंटर है PHC है या अर्बन PSC है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। इसमें ज़्यादातर लोग सब सेंटर पर कार्यरत है तो आप अपना सब सेंटर का नाम ही यहाँ डालें। उसके बाद में रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आपको एक्टिव केस फाइंडिंग, जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो एक्टिव केस फाइंडिंग, यानी कि आपको घर घर जाकर सर्वे करना है। उसमें टीबी से संबंधित आपको जानकारी इसमें एकत्रित करके इस फॉर्मेट में डालनी है। इसमें अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम को लक्षित समूह और अन्य लोगों के घर घर जाकर टीबी के लिए लक्षणात्मक जांच नमूना संग्रह और निदान के लिए रेफर करना है। एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए लक्षित समूह की सूची CHO के पास उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि आप जो भी सर्वे कर रहे हो उसकी सूची आपके पास होनी चाहिए। आपको हर चीज़ की लाइन लिस्टिंग अपने पास तैयार करके रखनी है। लक्षित समूह जो आपका टारगेटेड ग्रुप है उसमें पिछले 5 वर्षों में टीबी के इतिहास वाले व्यक्ति
कोविड-19 संक्रमण के इतिहास वाले व्यक्ति, मधुमेह वाले व्यक्ति, एचआईवी के साथ जी रहे, कुपोषित या तंबाकू का सेवन या कोई अन्य वल्नरेबिलिटी पॉपुलेशन। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक टारगेटेड ग्रुप लक्षित समूह से संबंध रखता है तो उनकी गणना एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए केवल एक समूह में करना सुनिश्चित करे। यानी कि जो व्यक्ति पहले टीबी से भी संक्रमित था और वो उसको डायबिटीज भी है, वो एचआईवी रोगी है, तो आपको उसको एक ही समूह में रखना है, उसकी अलग अलग रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है। लक्षित समूह सूची में मर्द और अन्य जिला राज्य में माइग्रेंट किए गए रोगियों को शामिल नहीं करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 5 वर्ष के टीबी रोगी मांग रहे हैं तो उनमें अगर कोई मृत है या किसी की मृत्यु हो गई है या कोई दूसरे राज्य से अपने राज्य में आया है या दूसरे जिले से आया है तो उसको आपको शामिल नहीं करना है। यानी कि आपको इसमें वही लोगों को शामिल करना है जो आपके क्षेत्र में रह रहे हैं या वहाँ के निवासी है। तो इसमें जो पहला नंबर का कॉलम है उसमें है पिछले 5 वर्षों में टीबी के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या। यानी कि जो पिछले 5 साल के ऐसे रोगी जो टीबी से ग्रसित थे, जिनको टीबी की बीमारी थी, जिन्होंने टीबी का कोर्स लिया है, उनकी आपको सूची तैयार करनी है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें 26 लोग पहले टीबी से संक्रमित थे तो ये 26 की लाइन लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें पिछले 5 वर्षों में टीबी के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से अभियान अवधि के दौरान टीबी के लक्षणों के लिए जांचे गए व्यक्तियों की संचयी संख्या। यानी कि जो 26 लोग थे उनमें से आपने 1 मई के बाद कितने लोगों की स्क्रीनिंग की है टीबी के सिम्टम के लिए। तो इसमें जैसे 17 लोगों की आपने स्क्रीनिंग करी है 26 में से। फिर आगे पिछले 5 वर्षों में टीबी के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लिए संभावित के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या। यानी कि आपने जिन 17 लोगों की स्क्रीनिंग करी है उनमें टीबी के सिम्टम कितने व्यक्तियों में थे। यानी कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, बुखार, नाइट स्वेट्स, कफ में खून आना, छाती में दर्द इत्यादि यदि किसी में लक्षण आपको दिख रहे हैं तो वो संख्या आपको यहाँ डालनी है। फिर आगे पिछले 5 वर्षों में टीबी के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या। यानी कि जिन लोगों में आपको लक्षण नज़र आए 2 व्यक्तियों में, उनमें से आपने टीबी की जांच कितने लोगों की कराई है, तो 2 में से अगर 2 की जांच कराई तो आपको यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद में जिन 2 लोगों की जांच कराई उनमें टीबी के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लिए पॉजिटिव परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या। यानी कि जिन 2 लोगों की आपने जांच कराई है उनमें से टीबी पॉजिटिव कितने आए हैं। इसमें पिछले 5 वर्षों में टीबी के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लिए पॉजिटिव परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या। यानी कि जो 2 लोगों की हमने जाँच कराई है उनमें से कितने लोग पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है, अगर पॉजिटिव आए तो। अगर पॉजिटिव कोई नहीं आता है तो उसकी संख्या आपको 0 लिखनी है। उसके बाद में जो आगे वाला कॉलम है वो है कोविड-19 संक्रमण के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या। यानी कि आपके HWC के अंतर्गत कितने लोग कोविड-19 संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए थे पहले। जैसे इसमें 2 लिखा है उनमें से कोविड-19 संक्रमण के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लक्षणों के लिए जांचे गए व्यक्तियों की संख्या। यानी कि जो 2 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव थे पहले उनकी आपने टीबी के लिए स्क्रीनिंग करी है तो आपने 2 में से 2 लोगों की स्क्रीनिंग यहां कर दी है। उसके बाद कोविड-19 संक्रमण के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लिए संभावित के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या। यानी कि जिन 2 लोगों की आपने स्क्रीनिंग करी है उनमें क्या टीबी के सिम्टम पाए गए हैं, अगर पाए गए तो यहाँ आपको संख्या डालनी है, अगर सभी नेगेटिव है तो आपको कुछ नहीं लिखना, 0 लिखना है। कोविड-19 संक्रमण के इतिहास के साथ सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लिए परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या। जो अगर टीबी के सिम्टम से
सिम्टोमेटिक मिला है तो उनमें से आपने कितने लोगों की टीबी की जांच कराई है वो आपको यहाँ लिखनी है। फिर जिन लोगों की आपने जांच कराई है उनमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अगर आपके कोई पॉजिटिव निकला है तो यहाँ आपको डालना है, नहीं तो आप यहाँ जीरो लिखें। इस प्रकार कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की स्क्रीनिंग के बाद में आपको जो आगे वाला कॉलम है वो है आपके क्षेत्र में मधुमेह यानी कि डायबिटिक HIV के साथ जी रहे लोग जो कि PLHIV है, उसके साथ ही कुपोषित यानी कि जो मालनरिस पॉपुलेशन या तंबाकू का सेवन कर रहे या कोई अन्य टीबी से संबंधित वल्नरेबिलिटी से सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या यानी कि जो HWC के अंतर्गत डायबिटिक HIV पॉजिटिव कुपोषित या तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति जो गुटखा सिगरेट बीड़ी आदि का नशा कर रहे हैं वो सभी लोगों की संख्या यहाँ आपको लिखनी है। फिर आपको जो अगला कॉलम है उसमें मधुमेह HIV के साथ जी रहे कुपोषित या तंबाकू का सेवन कर रहे या कोई अन्य टीबी से संबंधित वल्नरेबल लिटी में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से टीबी के लक्षणों के लिए जांचे गए व्यक्तियों की संख्या यानी कि जो 110 लोग आपके पास थे उनमें से आपने कितने लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की है, तो यहाँ जैसे 110 में से 50 लोगों की स्क्रीनिंग टीबी के लिए की है। उसके बाद में इन 50 में से कितने लोग टीबी के लिए संभावित के रूप में पहचाने गए हैं यानी कि जो HIV पॉजिटिव डायबिटिक या कुपोषित व्यक्ति है उनमें से जो आपने स्क्रीनिंग करी है उनमें से टीबी के लक्षण कितने लोगों में आपको दिखे हैं, जैसे यहाँ 4 लोगों को टीबी के लक्षण दिखे हैं, उन चारों की आपको टीबी की जांच करवानी है। जैसे चारों की टीबी की जांच आपने करा दी तो उसके बाद में उनमें से टीबी पॉजिटिव कितने लोग आपको मिले हैं, जो टीबी के पॉजिटिव लोग आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें आपको टीबी की स्क्रीनिंग करनी है, इसमें सामान्य जनसंख्या में से टीबी के लक्षणों के लिए जांचे गए व्यक्तियों की संख्या, जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें आपने टीबी के लक्षणों की स्क्रीनिंग कितने लोगों की करी है या आपको जिन लोगों की स्क्रीनिंग करी है वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में सामान्य जनसंख्या में से टीबी के लिए संभावित के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या यानी कि जो सामान्य जनसंख्या में से जो आपको टीबी के संभावित व्यक्ति मिले हैं उनकी आपको यहाँ संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर टीबी से संभावित लोग आपको 4 मिले हैं जिनमें खांसी बुखार रात को पसीने आना या टीबी के जो भी सिम्टम हैं वो आपको नज़र आए हों। फिर आपको उनको चारों व्यक्तियों की टीबी की जांच करवानी है, तो 4 में से आपने जितने व्यक्तियों की टीबी की जांच कराई है वो यहाँ नंबर आपका आ जाएगा। फिर उन 4 लोगों में से कितने लोग आपके टीबी के पॉजिटिव पाए गए हैं वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ एक्शन फॉर पेशेंट करंटली ऑन टीबी ट्रीटमेंट और नोटिफाइड, वर्तमान में टीबी रोगी के उपचार की शुरुआत यानी कि जो आपके ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट है या टीबी नोटिफाइड हो गए मतलब जिनमें टीबी निकल गई है उन पेशेंट्स की रिपोर्टिंग इस फॉर्मेट में आपको करनी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के कैचमेंट एरिया में मौजूदा टीबी मरीजों की संख्या, जो आपके वर्तमान में टीबी मरीज चल रहे हैं उनकी आपको संख्या लिखनी है। टीबी मरीजों की सूची CHO के पास उपलब्ध होनी चाहिए यानी कि जो भी आप ये सर्वे कर रहे हैं इनमें सभी की लाइन लिस्ट आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के कैचमेंट एरिया में इलाज करा रहे मौजूदा टीबी मरीजों की संख्या आपने 3 लिखी है जो कि ऑन ट्रीटमेंट है, यहाँ आपको ऑन ट्रीटमेंट मरीजों की संख्या लिखनी है। इसमें जैसे 3 मरीज आपके नोटिफाइड है तो 3 मरीज ही आपके ऑन ट्रीटमेंट होंगे। नोटिफाइड टीबी रोगियों की संख्या जिनको उपचार के पालन के लिए सलाह दी गई है, आपको उन सभी मरीजों को उपचार के पालन की सलाह देनी है कि टीबी का जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरा 6 महीने आपको लेना है। उसके बाद में आयुष्मान भारत HWC के कैचमेंट एरिया में वर्तमान टीबी रोगियों में से अब तक कितने टीबी रोगियों को यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी
टेस्टिबिलिटी टेस्टिंग यूडीएसटी की पेशकश की गई है। आपके पास जितने भी टीबी रोगी ऑन ट्रीटमेंट है या जो नोटिफाइड है, उन सभी की आपको यूडीएसटी जांच करानी है। यूडीएसटी का मतलब होता है सभी की सीबी नॉट या ट्रू नॉट जांच आपको करानी है। तो आपको निश्चय में से देख के लिखना है कि कितने लोगों की सीबी नॉट या ट्रू नॉट जांच हो रखी है। अगर आपके पास तीन मरीज है तो तीनों की आपके पास ये जांच होनी चाहिए। उसके बाद में वर्तमान टीबी रोगियों में से अब तक कितने टीबी रोगियों का एचआईवी के लिए परीक्षण किया गया है। जो भी टीबी रोगी ऑन ट्रीटमेंट है, सभी मरीजों की एचआईवी की टेस्टिंग होनी जरूरी है। अतः तीन रोगी अगर आपके पास चल रहे हैं तो तीनों की एचआईवी की टेस्टिंग होना जरूरी है। यह भी आप अपनी निक्षा आईडी, पेशेंट की निक्षा आईडी खोल के देख सकते हैं। अगर उसमें एचआईवी की जांच हो रखी है तो आपको यहाँ इसको लिखना है। उसके बाद में वर्तमान टीबी रोगियों में से अब तक कितने टीबी रोगियों का मधुमेह के लिए परीक्षण किया गया है। जो भी टीबी के ऑन ट्रीटमेंट मरीज है, उन सभी का आपको मधुमेह या डायबिटीज की जांच आपको करानी है। तो अगर आपके तीन मरीज है तो तीनों की डायबिटीज की जांच आपके पास होनी चाहिए। ये आप मरीज की निक्षा आईडी खोल के कोमॉर्बिडिटी में जाकर देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वर्तमान टीबी रोगियों में से अब तक कितने टीबी रोगियों का एनपीवाई यानी कि निक्षेप पोषण योजना के लिए बैंक खाता विवरण निक्षेप में भरा गया है। ये आप प्रत्येक मरीज की निक्षेप आईडी खोल के उसके डीबीटी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। अगर किसी का खाता ब्लैंक है तो आपको ये जानकारी लेके इसमें अपडेट करनी है। अतः आपके जितने टीबी रोगी है उन सभी की निक्षेप आईडी आपके पास निक्षेप ऐप में अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद में वर्तमान माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म पल्मोनरी टीबी रोगियों के व्यक्तिगत संपर्क परिवार के सदस्य, आपके जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म पल्मोनरी टीबी के रोगी यानी कि ऐसे टीबी के मरीज जिनका टीबी डायग्नोस या तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी या सीबी नॉट या कल्चर के द्वारा हुआ है और वे पल्मोनरी टीबी के रोगी है, तो उनके जितने भी संपर्क है, घरेलू संपर्क जो उनके साथ रहते हैं, उनकी आपको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग इसमें डालनी है। यहाँ आपको 5 साल से कम उम्र के घरेलू संपर्क की संख्या लिखनी है। टीबी रोगी के घर में कितने सदस्य 5 साल से छोटे हैं, आपके एरिया में जितने भी टीबी रोगी चल रहे हैं, जैसे तीन लोग चल रहे हैं तो उनके घर में 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है जो पल्मोनरी माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी के मरीज हैं। उसके बाद में जो 5 साल से बड़े आयु के लोग हैं उनकी संख्या भी आपको लिखनी है। इसमें आपको टीबी रोगी के अलावा जो भी परिवार के सदस्य है उनकी सभी की संख्या यहाँ आपको डालनी है। उसके बाद में वर्तमान में माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म पल्मोनरी टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों में से टीबी के लक्षणों के लिए जांचे गए संपर्कों की कुल संख्या, जो भी आपको 5 साल से छोटे बच्चे मिले हैं उनको आपको टीबी की स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद में जो वर्तमान में माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म पल्मोनरी टीबी के रोगियों के परिवार के सदस्यों में से टीबी के लक्षणों के लिए जांचे गए संपर्कों की संख्या, जो 5 साल से बड़े लोग हैं उनमें आपने कितने की स्क्रीनिंग आपने कर दी है, उसमें जैसे 8 सदस्य 5 साल से बड़े थे उनमें से 4 की स्क्रीनिंग यहाँ आपने कर दी है। उसके बाद में वर्तमान में माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म पल्मोनरी टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों में से टीबी के लिए संभावित के रूप में पहचाने गए संपर्कों की संख्या, जो 5 साल से छोटे थे उनमें आपको टीबी के लक्षण कितने लोगों में दिखे हैं, तो यहाँ किसी में नहीं दिखे हैं। उसके बाद में जो 5 साल से बड़े जो संपर्क है उनमें टीबी के लक्षण कितने में पाए गए, तो इसमें 2 में पाए गए। इसके बाद जो 5 साल से छोटे बच्चे थे अगर किसी में टीबी का लक्षण पाया गया तो उसकी आपको यहाँ जांच करानी थी, तो अगर आपने जांच कराई है तो उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद में जो 5 साल से बड़े सदस्य थे उनमें आपको प्रिजम्प्टिव टीबी के जो रोगी मिले थे उनमें से आपने कितने की टीबी की जांच कराई है, तो यहाँ 2 लोगों की टीबी की जांच कराई है। उसके बाद में अगर 5 साल से छोटे में अगर किसी में टीबी डायग्नोस हुआ है तो वो आपको यहाँ डालना है, और आगे वाले कॉलम में जो 5 साल से बड़े में टीबी की जांच आपने कराई थी उनमें से अगर किसी को टीबी निकली है तो यहाँ आपको उसकी संख्या लिखनी है। उसके बाद में जो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म पल्मोनरी टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों में से टीबी निवारक चिकित्सा के लिए योग्य संपर्कों की संख्या,
पांच साल से कम उम्र में, जो 5 साल से कम उम्र के आपके पास एक संपर्क था उसकी आपने स्क्रीनिंग करी है, अगर उसमें टीबी नहीं पाई जाती तो वो टीपीटी के लिए यहाँ एलिजिबल होगा। टीपीटी का मतलब होता है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। और जो 5 साल से बड़े थे उनमें आपने 4 जनों की स्क्रीनिंग करी थी और 4 ही नेगेटिव है, तो वो चारों टीपीटी के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद में जो 5 साल से छोटे बच्चे आपको मिले हैं उनमें आपने टीपीटी कितने को स्टार्ट कर दिए, और ऐसे ही 5 साल से बड़े जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनमें आपने टीपीटी कितने को स्टार्ट कर दिए, वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके साथ ही जो टीपीटी स्टार्ट की गई है उनमें से अगर किसी की टीपीटी आपने पूरी कर दी है, पूरा इलाज ले लिया है, तो वो संख्या आपको यहाँ डालनी है। फिर अगला जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसमें आयुष्मान भारत HWC के लिए निक्षय ID, अगर आपका सेंटर यहाँ पे ऑपरेशनल है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। अगर आपकी HWC की निक्षय ID बन गई है तो आपको यस लिखना है, नहीं तो नहीं। और अगर निक्षय ID बन गई तो आपको यहाँ पे निक्षय ID अपनी लिखनी है। उसके बाद में टीबी मुक्त राजस्थान की प्रतिज्ञा, आपको यहाँ पे टीबी मुक्त राजस्थान की लोगों को शपथ दिलवानी है। इसमें सबसे पहले टीबी मुक्त राजस्थान की शपथ लेने के लिए आयोजित ग्राम सभा की बैठकों की संख्या, आपने कितनी ग्राम सभा की बैठकों में शपथ दिलवाई वो संख्या आप यहाँ डालें। उसके बाद में टीबी मुक्त राजस्थान की शपथ लेने के लिए जन आरोग्य समितियाँ VHS NC और महिला आरोग्य समिति की बैठक की कुल संख्या जिसमें आपने लोगों को टीबी की शपथ दिलवाई है वो आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद में कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्रति ABHWC कम से कम 2 TB सर्वाइवर, 1 पुरुष और 1 महिला की पहचान करना और उन्हें स्वास्थ्य ई गुरुकुल IGOT टीबी चैंपियन वाणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टीबी चैंपियन के रूप में प्रशिक्षण देना, यानी कि जो आपके क्षेत्र में पहले टीबी के रोगी है उनको आपको टीबी सर्वाइवर या टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित करना है और उन्हें स्वास्थ्य ई गुरुकुल IGOT टीबी चैंपियन वाणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रशिक्षित लोगों की संख्या ABHWC कैचमेंट क्षेत्र में, तो आपको उनको ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवानी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ई गुरुकुल ऐप का, वहाँ से आप उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। NTP स्टाफ टीबी चैंपियन HWC स्टाफ के माध्यम से टीबी के लिए जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियाँ, इसमें आपको लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करना है। सबसे पहले स्कूलों की संख्या जिनमें जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आपके HWC क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आपने स्कूलों में कार्यक्रम करे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद में स्वयं सहायता समूह के लिए आयोजित जागरूकता गतिविधियों की संख्या, SHG ग्रुप में आपने कितने लोगों को जागरूक किया है उन समूहों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। आयोजित टीबी वॉकथॉन की संख्या, आपने टीबी के लिए कोई मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन करा है तो यहाँ आपको डालना है। छात्रों के लिए आयोजित टीबी के साथ प्रतियोगिताओं की संख्या, अगर आपने टीबी से संबंधित कोई प्रतियोगिता स्कूल में कराई है तो आपको उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। आयोजित अन्य सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों की संख्या, इसके अलावा आपने गांव के अंदर टीबी से संबंधित कोई जागरूकता कार्यक्रम अगर कंडक्ट करा है तो उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। टीबी रोगियों और टीबी से बचे लोगों के लिए वेलनेस सेशन, अगर आपने टीबी रोगियों और टीबी विजेता लोगों के लिए आयोजित कल्याण गतिविधियों का आयोजन करा है, उनके लिए कुछ किया है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत रिपोर्टिंग से संबंधित कोई समस्या अगर आ रही हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि आप अपने ब्लॉक का नाम, टीबी यूनिट का नाम, अपने HWC का नाम सही डालें और सेम स्पेलिंग आपको चारों बार जब भी आप रिपोर्टिंग करो तब वही स्पेलिंग आपको काम में लेनी है, जिससे कि आपका फॉर्म डुप्लीकेट नहीं हो। और उसी के साथ आप इस फॉर्म को कभी भी अपडेट कर सकते हैं,
इसमें हमेशा क्यूमुलेटिव रिपोर्टिंग आएगी। इसी के साथ यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।